सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में। यहाँ पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स को लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट नेवी की तरफ से। मीडिया रिपोर्ट से पता चली है कि इंडियन नेवी अभी एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को खरीदने की प्रक्रिया को शुरू करने वाली है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 1.6 लाख करोड़ है। वर्तमान की स्थिति में इंडियन नेवी में एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन अभी कोचिन शिपयार्ड में चल रहा है, जो कि आने वाले कुछ सालों में इंडियन नेवी में शामिल हो सकता है। नेवी बहुत ही जल्द 70,000 करोड़ की एक प्रपोजल को डिफेंस मिनिस्ट्री के सामने रखने वाली है, जिसकी फाइनल कॉस्ट 1.6 लाख करोड़ तक हो सकती है। फिर से सुनने को मिल रहा है कि नेवी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहती है और इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स से मदद लिया जा सकता है। पहले ही थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 57 कैरियर बोन फाइटर्स के लिए टेंडर निकला हुआ है, जिसमें रफेल और F-18 मेन कंटेंडर्स हैं। नेवी का कहना है कि इंडिया को ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट में दो एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर रिजर्व में रखा जाएगा। दोस्तों, अगला अपडेट DRDO की ATAGS को लेके है। ATAGS की हाई अल्टीट्यूड ट्रायल अगले हफ्ते सिक्किम में होने वाली है। ATAGS को DRDO और प्राइवेट फार्म्स के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक 155mm और 52 कैलिबर की आर्टिलरी गन है। पिछले साल सितंबर में इसका सक्सेसफुल डेजर्ट ट्रायल भी किया जा चुका है। एक सीनियर DRDO ऑफिसियल का कहना है कि अगले हफ्ते ATAGS का हाई अल्टीट्यूड टेस्ट सिक्किम में किया जाने वाला है, जिसको ARD और आर्मी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। अभी तक टेस्ट का ड्यूरेशन फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन टेस्ट को कुछ हफ्ते तक किया जा सकता है। यह टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोर्सेस से पता चली है कि 2020 तक ATAGS को इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जाने वाला है। डोकलाम एक्सपीरियंस के बाद अभी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस को एक एयर विंग भी दिया जाने वाला है। इस एयर विंग को प्राइमरीली रिकॉग्नाइज पर्पोज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि बॉर्डर एरिया में चाइनीज ट्रूप्स की एक्टिविटी पर नजर रखा जा सके। अभी तक इमरजेंसी सिचुएशन में इंडियन एयरफोर्स और BSF के द्वारा ITBP को सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता था। इनिशियली दो ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स को ITBP की एयर विंग में शामिल किया जाएगा, जो कि ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये हेलीकॉप्टर्स चंडीगढ़ और गुवाहाटी बेस से ऑपरेट किए जाएंगे, जो कि पूरी 3488 किलोमीटर लंबी इंडिया चाइना बॉर्डर को कवर कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर्स एक बार में 8 से 10 ट्रूप को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे और बिना रिफिल किए कम से कम 2 घंटे तक उड़ान भर सकेंगे। ये रात में भी उड़ान भर सकेंगे और ये फॉरवर्ड लोकेशन में एमुनिशन और हाई एक्सप्लोसिव को ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। में ITBP हिमालयन बॉर्डर एरिया में 47 नए बॉर्डर पोस्ट करने वाली है। अगला अपडेट चाइना की फिफ्थ जनरेशन फाइटर को लेके। रिसेंटली चाइना की फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट J-20 स्टील फाइटर को चाइना ने ऑपरेशनल किया है और 2 हफ्ते पहले ही इंडिया चाइना फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट को नजर में रखते हुए इस एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा था। तिब्बत में पिछले हफ्ते ही एक रियल कॉम्बैट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसमें J-20 की VVR कैपेबिलिटी को टेस्ट किया जा रहा था। J-20 के अलावा इस एक्सरसाइज में J-10C और Y-20 भी शामिल थे। चाइनीज डेली के मुताबिक चाइना अपनी लॉन्ग रेंज ट्रांसपोर्टेशन और एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।